गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th में इससे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सुनने के लिए सीखे थे। आज जो इनसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है, यानी हमारे लाइफ में ये क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। एक का पहला कंबसन रिएक्शन, रेस्पिरेशन और ऑरिजन और एसिडिटी को देखते हुए एनसीईआरटी यानी पहला चैप्टर हम लोग का फुल रूप से कंप्लीट हो जाएगा। जब ये तमाम चीजों को पढ़ लेते तो आपको चलाते हैं सबसे पहले कॉपी लिखना। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबसन। सबसे पहले कंबसन रिएक्शन के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। कंबसन रिएक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री क्लास 10th का आज उनसे पहला चैप्टर फाइनल हो जाएगा। यानी कंबसन रिएक्शन क्या है, कहने का मतलब दहन अभिक्रिया आप किसे कहोगे, इसके बारे में हम आपको जानते हैं। कंबसन रिएक्शन क्या है, कंबसन रिएक्शन यू तो आप कह सकते हो दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रिएक्शन होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होनी चाहिए तब हीट और लाइट देगा तो उसे हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एड हो रहा, सिंपल सी बात। तो कंबसन रिएक्शन दहन अभिक्रिया क्या है, वह केमिकल रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स हीट एंड लाइट, यू तो आप बल्ब को देखते हो जलते हुए, ये भी लाइट देता है हीट भी देते हैं, लेकिन यह कंबसन रिएक्शन नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा। आप कोयला को जलते हुए देखे होंगे कोल को, लेकिन वह भी फ्लेम नहीं देता। कुछ चीज क्लास आप आइट में पढ़ते थे, आज हम कंबसन का थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो लिखो द केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स हीट एंड लाइट, वो देने का काम करेगा, हीट देते हैं, गिव्स हीट एंड लाइट। सच ए केमिकल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं। गिव्स हीट एंड लाइट सच ए केमिकल रिएक्शन, सच ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कंबसन रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उष्मा तथा प्रकाश दे हीट देंगे लाइट देंगे, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं, कंबसन रिएक्शन कहते हैं। बात रही कि कोई एग्जांपल दो, आप मीथेन तो देखे होंगे, सिंपल सा एग्जांपल मीथेन CH4। अब आप बताओ मीथेन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, CH4+O2 बराबर बनेगा ही बनेगा CO2+H2। यू तो माइनस कर सकते हो अगर चाहो तो, आपका मर्जी है। 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है आपका बैलेंस भी। ये कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और हीट और लाइट भी देते होंगे, ये रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन क्यों भी देता है, मतलब हीट और लाइट देने का काम करता है, ऐसे रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं, दहन अभिक्रिया है। जैसे आप ब्यूटेन को देखे होंगे C4H10। अब आप बताओ ब्यूटेन जो है ऑक्सीजन से उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देंगे, CO2+H2। अब बाइलेंस कराने के दो तरीके, ऑक्सीजन अगर चाहो तो 5 में हाइड्रोजन 5 × 10 हो रहा है, ऑक्सीजन 5 × 7 हो, ऑक्सीजन यहाँ पे
दस गो है, 13/2 कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, 13 10 22, 5 2 10 2 12, और 4 6 16, 4 को 4 से तो ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर से भी ऑक्सीजन अगर भाई ले। और यार अलावा आपको इसे नहीं करना है तो आप इसको मल्टीपल बना दो, 5 के बदले 10 से कर दो, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ भी 8 करना होगा, तब भी बैलेंस। यदि मल्टीप्लाइंग है आप ऑक्सो कैनवेरेटिंग है 2 C4 H10 13O2 + H2O2 + 10H2, बहुत हार से इसीलिए आप ऐसे नहीं कर सकते। हम कंपोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं जो हीट और लाइट देता है, यह हमारा क्या है, और कंपोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और कंपोजिशन रिएक्शन जो भी होते हैं वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है और कंपोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप ग्लूकोज बॉडी में देखते हो C6H12O6, ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे बॉडी को क्या देने का काम करता है, हीट दे, बॉडी में एनर्जी देता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करता है, फिर बॉडी में वाटर देते होंगे, अब फिर बायलेंस करना है, 6 है ऑक्सीजन के, 6 टाइम्स को लगा दोगे, हाइड्रोजन को भी 6 दे दो, 6 दे दो बायलेंस को, यानी आप देख रहे हो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गिव्स हीट इन लाइट देता है वह सभी रिएक्शन हमारा कंबसन रिएक्शन कहलाता है। कंबसन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, हीट लाइट देता हो, अब बड़ी मीन टेम्परेचर है हम 97.7 के टेम्परेचर के आसपास ही हीट देते, अब लाइट की बात रहा, वो फ्लेम होता है तो लाइट देते कभी नहीं भी देते, लेकिन कंबसन रिएक्शन वही केमिकल रिएक्शन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होना चाहिए, तब जो भी चीज देगा तभी आपका कंबसन रिएक्शन, और इसमें ये जो थर्मिक होगा और कंबसन रिएक्शन जो थर्मिक रिएक्शन, एक जो यानी ऊष्मा 6P जिसमें ऊष्मा देने का करता है रिलीज द एनर्जी, और कंबसन C U M B U S T R U N, C U M B U S T R, कंबसन रिएक्शन और प्रत्येक जो कंबसन रिएक्शन है वो क्या और कंबसन रिएक्शन है, एक जो थर्मिक रिएक्शन और एक जो थर्मिक रिएक्शन, जितने भी कंबसन रिएक्शन है वो सभी एक जो थर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी उस समय 6P होता है, जितने कंबसन रिएक्शन है वो सभी ये जो थर्मिक रिएक्शन होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी उस कंबसन रिएक्शन का है। आप देखते हो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए, ये सब हमारे हार्मफुल है बॉडी के लिए, ये हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ हार्मफुल करता है, तो कुछ पॉइजनस चीज जो बॉडी से निकलते हैं मतलब वो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं तो वो रिएक्शन हमारे लिए हानिकारक भी है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबसन रिएक्शन हमारे बॉडी के वार्म करने के लिए वर्किंग करने के लिए तो कंबसन इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं कुछ न कुछ हार्मफुल भी है, इफेक्ट भी होता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, पोटास जब पॉइजनस गैस बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, ये सब हमारे लिए क्या होगा हार्मफुल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनना यानी हार्मफुल ऑफ कंबसन रिएक्शन, फुल ऑफ कंबसन रिएक्शन, यानी जब कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा ये हार्मफुल होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, कंबसन रिएक्शन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल भी होता है, एग्जाम्पल के लिए जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाता है, थोड़ा हीट का कार्बन का मोनोऑक्साइड जब बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। मीथेन गैस को आप देखें,
ये भी जलते हैं, मीथेन गैस अगर जल्दी तो ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो भी थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ा सा कोल अगर जलता है, सिंपल सी बात, तो वो भी यही साथ देता कार्बन, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे लिए हार्मफुल है, सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारे तमाम नेचर के लिए क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये एटमोस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके बाद हम ज्यादा चर्चा कंबसन रिएक्शन का मतलब होता है दहन अभिक्रिया, कंबसन मतलब दहन अभिक्रिया। शो रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, सीधी सी बात कंबसन रिएक्शन क्या है, बर्न्स और गेट ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कहने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एयर के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन मतलब से एयर भी कह सकते हो। हम आगे चलते हैं कंबसन रिएक्शन से आगे रिस्पायरेशन रिएक्शन, क्या रिस्पायरेशन रिएक्शन क्या होता है, RESPIRATION रिस्पायरेशन रिएक्शन। रिस्पायरेशन का हिंदी क्या होता है, रिस्पायरेशन रिएक्शन क्या होते हैं, आप इसे सिंपल इसी समझ सकते हो, रिस्पायरेशन होता क्या, रिस्पायरेशन मतलब शोषण अभिक्रिया, शोषण अभिक्रिया। अब जैसी बात रहा नाम से ही पता चल रहा शोषण अभिक्रिया होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी एनर्जी को, सेल को एनर्जी देने का काम करता है, वही रिएक्शन हमारा रिस्पायरेशन रिएक्शन है, जो हमारे ऑक्सीजन एंटर्स करते हैं हमारे लंग्स में, फेफड़े में, और उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है बॉडी को, वही रिस्पायरेशन रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, रिस्पायरेशन रिएक्शन द बायोकेमिकल रिएक्शन, द बायो केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी के, यानी कि सभी चीज ह्यूमन बींग्स जो भी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीज एनर्जी, वैसा बायोकेमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करते हैं, और इट रिलीज एनर्जी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी या किसी भी सेल में, जितने भी मॉलिकुलर सेल होते हैं सभी को बायोकेमिकल रिएक्शन वाले रिलीज करते हैं एनर्जी, और उसी को कहते हैं हम ऑक्सीजन जैसे सांस में लेते हैं, तो ये हमारा जो सांस चलती है रिस्पायरेशन के मदद से, तो द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीज एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी और सेल इज नोन एज रिस्पायरेशन रिएक्शन, नॉन एज रिस्पायरेशन यानी श्वसन अभिक्रिया वैसी बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब वह जीव का अभिक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे इनर्जी करते हैं शरीर के सेल को, उसे हम रिस्पायरेशन रिएक्शन कहते हैं, रिस्पायरेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात रहा हूं कि रिस्पायरेशन में बॉडी में सेल एनर्जी हमारे बॉडी के पास करते हैं, रिलीज होते हैं, रिस्पायरेशन जब करते हैं तो इसमें हमारा हार्ट मसल्स वर्क करते हैं, और इस रिस्पायरेशन सेल के सभी लिविंग बींग्स को जरूरी होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए रिस्पायरेशन होता है, चाहे वो आप वृक्ष को भी देखे उसमें भी श्वसन की आवश्यकता होती है, उसका भी भोजन बनता है, यानी उसमें भी रिस्पायरेशन होता है, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी में रिस्पायरेशन होता ही होता है, और हम बॉडी में रिस्पायरेशन जो होता है हमारे बॉडी के रिएक्शन करके, एक जो थर्मिक ये कैसे रिएक्शन है, एक जो थर्मिक है ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला रिएक्शन है, समझ गए हो, रिस्पायरेशन वह बायोकेमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इट रिलीज एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी सेल को देते हैं, वह रिस्पायरेशन रिएक्शन है। हमारा बॉडी रिस्पायरेशन रिएक्शन के जरिए हम बताएं आपको कि जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, H2O बना,
यानी सेल में जितना भी हेमोग्लोबिन में भी रिएक्शन होता है रिस्पायरेशन रिएक्शन की मदद से, आप ये बायो में रिएक्शन देखते होंगे, मल्टोस फ्रक्टोस बनते हैं। अगर भी हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाता है ना, ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, तो हमारा बॉडी लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है, जो लैक्टिक एसिड हमारे थकावट का सबसे मुख्य कारण होता है। हमारा बॉडी थकान तब महसूस करता है जब बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस की प्रेजेंट होती है। यानी कौन ऐसा एलिमेंट, कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे अधिक फास्फोरस प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप याद रखोगे कि लैक्टिक एक ऐसा एसिड है, लैक्टिक एसिड जिसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक। दूसरी बात, ये रिस्पायरेशन जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता, हमारे बॉडी में भी ये काम होता, तो आप समझ रहे हो रिस्पायरेशन रिएक्शन होना बहुत ही जरूरी है सभी लिविंग बींग्स के लिए। यानी आप स्टार ला के लिखो रिस्पायरेशन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ह्यूमन बींग, फॉर ऑल लिविंग बींग्स, फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव जंतु है उसके लिए रिस्पायरेशन आवश्यक है, ऑल लिविंग बींग्स के लिए रिस्पायरेशन आवश्यक है, और अल्टीमेटली ब्रेथ देम आउट, रिस्पायरेशन का सेल में जो होता है ऑल लिविंग बींग्स में होता ही होता है, और ये एक जो थर्मिक रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूसर करता है। तो आप लिख सकते हो रिस्पायरेशन रिएक्शन, हम बता रहे थे लैक्टिक एसिड जो ऑक्सीजन में ही होगा ना, आपका बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर यानी बनाना शुरू होगा, और बॉडी में जब लैक्टिक एसिड बनता है तब हमको थकान महसूस होता है, थकते तभी है जब हमारे बॉडी लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाए। तो रिस्पायरेशन कितना महत्वपूर्ण है आप समझ ही रहे होंगे, रिस्पायरेशन रिएक्शन इज इंडो या जो एक जो थर्मिक रिएक्शन है उसमें छेपी दी छेपी अभिक्रिया है, जो थर्मिक रिएक्शन है यानी बॉडी में जब ऑक्सीजन कमेगा तो इलेक्ट्रिक एसिड बनेगा, हमको थकान महसूस होगा। आप समझ रहे हो रिस्पायरेशन रिएक्शन क्या होता है। अब बात रही कि हम रिस्पायरेशन पे बहुत कुछ चर्चा नहीं करने वाले हैं, अब चलते हैं कोरिजन और एसिडिटी को लेते हुए आपका इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। कोरिजन होता क्या है, संक्षारण क्या होता है, इसे देख लेते हैं। कोरिजन, कोरिजन मतलब सीधी सी बात सी ओ डबल आर एस आई ओ एन, कोरिजन होता है मतलब संक्षारण। अब कहोगे सर क्या होता है कोरिजन, ये भी एक तरह का मानिए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, रिस्पायरेशन भी ऑक्सीडेशन है और कोरिजन भी एक ऑक्सीडेशन है। जब हमारे एटमोस्फेयर में वातावरण के जितने चीज देखते हो ये एटमोस्फेयर में किसकी उपस्थिति में, एटमोस्फेयर होगा उसमें नमी होगा, मॉइस्चर की उपस्थिति में लेयर बन जाता है, किसी मैटर के सरफेस पे जब ये लेयर बन जाए ना तो वह कोरिजन है, संक्षारण है। यानी मेटल के सरफेस, दुनिया का कोई मेटल हो उस पे जब लेयर बनेगा तो वह कोरिजन ही कहलाता, वो प्रेजेंस होगा तो ऑक्सीजन होगा, मॉइस्चर होगा, एयर और मॉइस्चर के ही प्रेजेंट में बनेगा जिसमें मटेरियल होते हैं, और उसके बारे में हम देखते हैं कोरिजन क्या है, द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। यानी हवा एवं नमी की उपस्थिति में वैसी विधि, द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, द लेयर ऑफ अ मेटल सरफेस। जब वैसी विधि जो हवा की उपस्थिति में, हवा एवं नमी की उपस्थिति में लेयर बना देता है किसके, धातु के सरफेस पे, धातु के सतह पे, उसे हम कोरिजन कहते हैं। द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, द लेयर ऑफ ए मेटल सरफेस इज नोन एज कोरिजन। आप उसे कहोगे
कोरिजन के, यानी कोरिजन संक्षारण क्या हुआ, वैसी विधि है जो हवा की उपस्थिति में मॉइस्चर, हवा और मॉइस्चर की उपस्थिति में लेयर बना देती है किसी मेटल के सरफेस पे, तो हमारा संक्षारण कहलाता है। यही जब लेयर, यही लेयर जब आयरन सर्फ, आयरन मेटल पे बन जाता, प्रोसनल आयरन मेटल के लिए जब बनता है तो वही कहलाता रस्ते। जब ये सरफेस रेडिश कलर का, ब्राउन कलर का आयरन मेटल पे बन जाता है, जब ओरिजिन प्रोसनल आयरन मेटल के लिए होता है तो वो कहलाता है रस्ते। समझ रहे हो आप, कोरिजन वह है जिस एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल लेयर पे बना देता है मेटल के सरफेस पे, उसे कोरिजन कहते हैं। संक्षारण वैसी विधि जो हवा तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु पे लगता हो उसे हम संक्षारण कहते हैं। वही संक्षारण जब इसके अलावा पर्सनल लोहा के मेटल पे लग जाता है तो वही कहलाता रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको कह दे रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप कहीं क्या इंसक नहीं करोगे, ओरिजिन ही है, लेकिन पर्सनल जब मेटल में आयरन मेटल में लग जाए कोरिजन तो उसे रस्टिंग कहते हैं। द कोरिजन ऑफ, कोरिजन ऑफ आयरन मेटल, कोरिजन ऑफ आयरन मेटल, जब कोरिजन हुआ तो बात वही हुआ, द प्रेजेंस ऑफ, द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, द लेयर ऑफ आयरन सरफेस, आयरन मेटल सरफेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या छोटा डिफाइन है, द कोरिजन ऑफ आयरन मेटल इज नोन एज, आप इसे कहोगे रस्टिंग ऑफ आयरन। आप इसे क्या कहने वाले हो, आपको रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप समझ रहे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, अगर दूसरा डिफाइन चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, द लेयर ऑफ, ये लेयर जब किस पे लगेगा, द लेयर ऑफ आयरन मेटल सरफेस, आई इस पे जब लग जाएगा आयरन मेटल सरफेस इज नॉन एज, इसी को आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहोगे। इसे क्या कहोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन कहोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चे आप समझ रहे होंगे रस्टिंग आयरन क्या है, कोरिजन है, ये प्रोसेस है जो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, मॉइस्चर में होता है, लेयर लगता है आयरन का मेटल की सरफेस पे, तो इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक, अब हम एक एग्जांपल दें, आयरन पे जो रस्टिंग लगता है, रेडिश ब्राउन का मिक्सचर होता है वो बनता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, थर्ड बनता है, उसका हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं। कोरिजन समझ गए होंगे, दुनिया के किसी मेटल के सरफेस पे जो लेयर लग जाता है वो लेयर कहलाता है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो लेयर लगेगा वो कोरिजन है। यही कोरिजन पर्सनली जब आयरन के मेटल पे लग जाता है ना, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। बस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिजन का ही एक स्पेशल टाइप हुआ रस्टिंग, जब आयरन मेटल पे लग जाते हैं। मेटल को एक एग्जाम्पल देते हैं, रिएक्शन करा लेते हैं, देख लेते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला भी क्या। आयरन लिए हो, आयरन के साथ क्या लोगे, ऑक्सीजन लो, रिएक्शन करा, देखो क्या बनता है, आयरन ऑक्सीजन दे दी। फिर हमने कहा था कि नमी होगा, कहने का मतलब पानी ही नमी कहलाता, Fe2O3 H2O। हाइड्रोजन का ये जो है इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ये फिक्स नहीं है एटम हाइड्रोजन के अणु, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यही रस का फॉर्मूला भी होता है। तो आयरन देख रहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वाटर की उपस्थिति में जो बनाता है हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रेट आयरन थर्ड का ऑक्साइड है ना, ये बना रहा है, इसी को रस कहते हैं, रस या रस, इसी का केमिकल फॉर्मूला ये होता है। आप समझ रहे होंगे कि लोहा एक मेटल था
जिसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रयोग मिले तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बना दिया, जो कि रस्टिंग है वही रस्ट है, वही रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है RUSTing रस्ट। अब आप कहोगे सर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, या रस्टिंग मतलब आयरन का ही रस्टिंग जनरली होता है, जंग जिसे आप कहते हैं हिंदी में, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग मतलब किसका रस्टिंग, आयरन का ही। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग क्या हो जाता है, Fe2O3 XH2। अब आप एक x के बारे में थोड़ा सोच लो, ये जो है क्रिस्टलाइजेशन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, रावाकरण जिसको कहते हैं। आप एक लाइन लिख लो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, CRYSTI क्रिस्टलाइजेशन यानी रावाकरण, क्रिस्टलाइजेशन नंबर को या क्रिस्टलाइजेशन को, रावाकरण। किसी को कहोगे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, दरिया के किसी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन द नंबर ऑफ the number of hydrogen atom present in a compound, any compound, दुनिया का कोई compound हो, the number of hydrogen atom present in any compound is known as crystallization, known as क्रिस्टलाइजेशन यानी रावाकरण संख्या, रावाकरण मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम ऐसे कर दो ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, दुनिया के किसी कंपाउंड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वही आपका मेरा क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा मान फिक्स नहीं है कि यहाँ एक्स हो गया Fe2O3 XH2O में, ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। इसमें पूछेगा, पूछा जाए कि क्रिस्टलाइजेशन का नंबर कितने है, नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर, तो आप लिखोगे क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक्स है। फिर अगर दूसरा एग्जांपल दे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, केट मन केट, केट मन बिल्ली, बिल्ली को दो, सोडियम कार्बोनेट Na2 ले, Na2CO3 Na2, इस टेन जो है क्रिस्टलाइजेशन है, इसका पूछा जाएगा क्रिस्टलाइजेशन कितना है, आप बिना रुके कह सकते हो सर 10 में। अगर आपको कॉपर सल्फेट ले ले, फेरस सल्फेट ले ले, हिंदी में होता नीला तोता कसीस, तो आप उसका फॉर्मूला जैसे लोगे CuSO4 7H2O, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। कभी आप अटकोगे नहीं, बिना रुके बता सकते हो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जैसे हो गया MgSO4 5H2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये हो गया आपको 5 नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यू मस्ट नो अबाउट दिस, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। आप अभी तुरंत देखे हो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में वो क्रिस्टलाइजेशन है। अब आपको जानने की बारी है कि सिल्वर जैसे, सिल्वर के आर्टिकल को ब्लैक से आफ्टर सम टाइम हो जाता है, जैसे सिल्वर एजी है उसको कि हाइड्रोजन के सल्फाइड से रिएक्शन करा, देखो उसका कलर कैसे होता, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता, वो एक प्रकार का रस्टिंग नहीं है, वो कोरिजन के नाम से जाने जाएंगे। जब केवल आयरन पे होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा,
या तो यू कह सकते हो रस्टिंग ऑफ सिल्वर, लेकिन इसीलिए उसका ओरिजिन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप देखते हो, थोड़ा सा देख लो, सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, पहले समझना था ये टॉपिक को पुनः यहां से उठा के समझिए। यहाँ क्रिस्टलाइजेशन की चर्चा आएगी ना, तो समझा दिया आपको। मान के चलो ये जी सिल्वर है, इसमें हाइड्रोजन का सल्फेट H2S मिला है। एजी क्या करेगा, H2S बनाएगा। एजी क्या करेगा, तो H2S बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2S बनेगा, फिर हाइड्रोजन क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन की वही पुराने दोस्ती है गैस बनाएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर ये किस मैट फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। एजी तो सबको पता है कि सॉलिड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो गैस होता है, दोनों बात पता है। अब ये किस कलर का होगा, कितने आदमी बता सकते हो, कहोगे सर ये सिल्वर सल्फाइड है। सीधी सी बात, सिल्वर में जब सल्फाइड तो इसका कलर हो जाएगा तो ब्लैक कलर का, इसका कलर कैसा होगा, ये ब्लैक कलर के होने वाले हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली इस अपनी साइनिंग को विस्तरण चेंज करने वाले हैं। कॉपर में भी ऑक्सीजन मारोगे फ्रॉम मॉइस्ट एयर होगा तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। कोरिजन एंड रस्टिंग आर वेरी हार्मफुल एंड डैमेज ऑफ आयरन, ये कोरिजन रस्टिंग ब्लैक हो जाएगा, मेरा चांदी का चमक खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये हार्मफुल है। और एक एग्जांपल लो, मान के चलो कॉपर लेते, इसको वायलेंस आप पढ़ोगे या दो से गुणा कर दो, सीधे वायलेंस आई सल्फर का दो हो गया, हाइड्रोजन दो है, कर दो तो दो से गुणा कर देना है। मान के चलिए कॉपर है, कॉपर को रिएक्शन कराओ कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ कंपाउंड दो ऑक्सीजन दे दो गैस भी, और कुछ देने वाले हो पानी भी मिला दो, अब बताओ क्या बनने वाले, CuCO3 क्या बनेगा, CuCO3 CuCO3 CuOH2 देख रहे हो क्या बना, CuCO3 CuOH2 ये क्या है, कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक OH मिला है, बेस है, बेसिक कॉपर का क्या है, कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है। अब आप एक चीज समझिए, इसका कलर अगर पूछा जाए कैसा कलर का होगा, कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर, कॉपर बेचारा बेरामी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड का इंतजार, तो कॉपर कार्बोनेट बना देंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो ये बना बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि कलर होगा कॉपर, जनरली आप ग्रीन कलर में देखोगे तो हरे कलर का हो जाएगा, आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, तो कलर होगा इसका ग्रीन होगा। आप बिना मली रूप से देख रहे हो उसका कलर चेंज हो रहा, उसमें डैमेज करने का काम करता है, कहने का मतलब पॉइजन और रस्टिंग जो है वेरी हार्मफुल। ये बड़े बड़े बिल्डिंग में आयरन के बने हुए रेलवे का ट्रैक पुल है उसको डैमेज करने का भी काम करता है। कार और अदर मटेरियल जो होते हैं उस सभी की क्वालिटी को लॉ करने का काम करता है। ठीक, आप समझे कि ये कोरिजन हार्मफुल भी है, कोरिजन क्या है, हार्मफुल है, यानी कोरिजन एंड रस्टिंग बोथ आर हार्मफुल फॉर आयरन के जो मेटल है बिल्डिंग से बना हुआ है उसमें भी हानिकारक होंगे, रेलवे ट्रैक बने हुए उसमें होगा, बड़े बड़े ब्रिज पुल सब जो बनाए जाते हैं लोहे का उसमें भी हानिकारक होगा। तो लगा लो एक पॉइंट, लिख लो कोरिजन एंड रस्टिंग इज वेरी हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक होता, वेरी हार्मफुल फॉर किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए डैमेज टू द बिल्डिंग, रेलवे हार्मफुल फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी आयरन का यूज होता है बड़े बिल्डिंग में, उसके बाद रेलवे ट्रैक उसके बाद ब्रिज, पुल बनाने में, और इसी तरह के सिमिलरली कुछ भी चीज को बनाते हो तो ट्रैक बनाते हो, ट्रक बनता, कार बनता, ETC। तो ओरिजिन रस्टिंग वेरी हार्मफुल होता है बिल्डिंग रेलवे ट्रैक एंड कार ETC।
डायमिस, ये सब को ये डायमिस करने का काम करता है कोरिजन और रस्टिंग। फिर आपको कोरिजन और रस्टिंग तो हो जाएगा सर, फिर हम इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे? तो दो चार सुरक्षा हम छोटा सा सिंपल ही आपको बता दें कैसे कैसे आप इसकी सुरक्षा कर सकते हो। कोरिजन और रस्टिंग से आप बता कैसे सकते हैं आपके मेटल को, तो आप लिख लो जी कैसे कैसे वो बचने वाला है। प्रिवेंटिंग करना है तो बाय पेंटिंग करके, प्रिवेंशन ऑफ पॉइजन एंड रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन एंड रस्टिंग। सिंपल सी बात है कि आप लोग को पता भी होगा कि पेंट करके हम कोरिजन को रोक सकते हैं, यानी जंग को रोक सकते हैं। आप बच्चों बिल्डिंग में घर में खिड़की लगी हुई है, कार वाले हैं वो सब पेंट कराते ताकि उसका वो लेयर अंदर का लेयर पे कोई जंग कोरिजन का हावी नहीं हो। तो आप कह सकते हो बाय पेंटिंग ऑफ मेटल सरफेस, उस मेटल के सरफेस को पेंट करके। यू तो कर सकते हो, ग्रीस आइलिंग करके भी बचा सकते हो, कुछ चीज आप पेंट करने की जरूरी नहीं है, मशीन की चीज है, मैकेनिक्स की चीज है, उसको आप ग्रीस कर दो बाय ग्रीसिंग करके या ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग इससे भी बचा सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है? तो गैल्विनाइजेशन समझते ही होगे, मेथड है प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन का, कोटिंग किया जाता है उसका गैल्विनाइजेशन करके, बाय गैल्विनाइजेशन। गैल्विनाइजेशन करके भी बचाया जा सकता है। अब हम मेटल सरफेस, कहने का मतलब यह क्या है गैल्विनाइजेशन, तो एक बगल में आप डिफाइन लिख ही लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है गैल्विनाइजेशन क्या है, यानी कि द कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस, द प्रोसेस by which coating of metal surface to in other metal surface to in other metal surface, वैसी विधि जिसमें हम coating करते हैं metal के surface को किसी दूसरे metal के surface से, उसे galvanization कहते हैं। और आप क्या कह सकते हो? एलवाइन लेयर, जैसे कि गैल्विनाइजेशन आप देखते हो सोना का हम चक्की पहनते, बच्चा से कुछ पहनता है जैसे ये मेटल, इस पे बहुत आप देखते हो घड़ी पे उसमें सोना पे पानी चढ़ता, गांव में कहता पानी चढ़ा देना, गैल्विनाइजेशन वही प्रोसेस हुआ जिसमें कोटिंग हो जाता, दूसरा मेटल के सरफेस को उस पर कोट कर दिया जाता, इसी को गैल्विनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। या तो आप एलवाइन करके भी इसे बता सकते हो, यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो आप मेटलर्जी में पढ़ोगे तो भी एलवाइन थोड़ा सा लिख दें बाय एलवाइन। क्या कहते हैं? स्टील का मिक्सचर एलवाइन, वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग प्रॉपर्टीज, ये एक अच्छा मेथड होता है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी मेटल को डिजाइन करने से, बाय एलवाइन ऑफ मेटल, मेटल की एलवाइन करके भी आप बचा सकते हो, एलवाइन करके आप बचा सकते हो। एलवाइन क्या है? वह प्रोसेस है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल टू अनदर मेटल, यानी एक मेटल में दूसरे मेटल के मिक्सचर करके, तभी जैसे कि चांदी की चीज है उसमें आप क्या करते हो सोना कुछ मिला देते हो, कुछ पार्ट भाग सोना होता है कुछ भाग चांदी मिला देते हैं तभी वो एलवाइन हो जाता है। कहने का मतलब एलवाइन वही प्रोसेस है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स का होता है। अगर आपको कहना है कि सर क्या होता है तो डिफाइन लिखना हो तो लिख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, एलवाइन क्या होता है स्टार आप लिखोगे तो लिख लो एलवाइन
The homogeneous mixture of homogeneous mixture होता homogeneous mixture of two or more than two metal, two or more than two metal, दो या दो से अधिक metal को mixing करके, जैसे कि आप साइकिल देखते हो, अपने साइकिल में वो क्या है मेटल का, दूसरा मेटल का बना हुआ, उसके ऊपर में निकेल सब का बना हुआ होता है जो चमकता है, उसका डंटा साइकिल के ऊपर का डंटा, देखो वो जंग नहीं लगता। अब तो नई वाला साइकिल आता है वो ब्लैक कलर लगा दिया जाता है, लेकिन पुराने वाला साइकिल में वो व्हाइट कलर लगा देखते हो गए, या रिम पे देखो तो वो एलवाइन का ही हुआ था, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मेटल का होता है। एमिलगम क्या होता है? एमिलगम कब? जब मेटल मरकरी हो एलवाई में तो उसे एमिलगम कहते हैं। वन ऑफ द मेटल मरकरी देन एलवाई इज नोन एज एमिलगम। जब किसी एलवाई में एमिलगम मिला दिया जाता है, मरकरी को मिलाते हैं, तब उसे हम एमिलगम कहते हैं। तो क्या होता है एमिलगम, थोड़ा सा वो भी जान लो। द मिक्सचर ऑफ मरकरी यानी एलवाई के साथ जब हम मरकरी को मिला देते हैं तो उसे आप क्या कहोगे? एमलगम कहोगे। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल दो या दो से अधिक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल इन विच मरकरी प्रेजेंट। मरकरी एचजी जब प्रेजेंट हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर में तो उसे हम कहते हैं एमिलगम। उसे क्या कहते हैं? एमिलगम, AMALGAM, एमिलगम। एक स्पेशल टाइप एमिलगम हो गया। और ब्रॉस एलवाई कॉपर जिंक, ब्रोजोन एलवाई कॉपर का सोल्डर होता है, सोल्डर एलवाई लीड और टीन का जब मिक्सचर बनता है तो सोल्डर बन जाता है एमिलगम। समझ में आ रहा है एमिलगम क्या होता है? मेटल में मरकरी को मिला देंगे तो उसे क्या कहते हैं? कॉपर और जिंक को ब्रोजोन कहते हैं। ब्रास के साथ जब कॉपर और जिंक को मिला देते हैं उसको ब्रोजोन कहते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का आ जाता है ब्रॉन्ज धातु। तो समझ रहे हैं एमिलगम क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लो। बी आर ओ एन जेड ब्रॉन्ज क्या होता है, किसका मिक्सचर? कहने का मतलब कॉपर है, जिंक है, कॉपर और जिंक तो है ही जब उसके साथ हम ब्रास को मिलाते हैं ये बनता है। इसका परसेंटेज भी फिक्स होता है, मेटलर्जी में हम बताएंगे। यहाँ नाम आया, टॉपिक आती, कभी कभी आ जाता था ब्रॉन्ज। आप समझ जाओ क्या होते हैं, ब्रास क्या होता है, इसके साथ जब इसको मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है। फिर सोल्डर का कभी कभी आप अपनी दुकान में मोबाइल सब को ठीक कराने के लिए कोई तार हटा हुआ है या डेक का हो या मोबाइल का चार्जर का तार हो तो देखते हो एक तार से दूसरे तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करते हैं, उसको सोल्डर में आ जाता। सोल्डर में किसके किसके मिक्सचर होते हैं? वो भी लीड, टीन, पीबी, एसएम। लीड जो मन है पीबी एसएम, टीन पीबी का एसएन का और कुछ चीज के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। जो एसएन का होता है पीबी का होता है दोनों को एलवाई कर दिया जाता है, परसेंटेज तो बन जाता है सोल्डर, सोल्डिंग करते हैं इसी तरह। अब चलो सोल्डिंग बहुत आगे, अब एनसीडीटी को देखते हुए चैप्टर को विदा कर देते हैं। तो आप अंतिम चीज है एनसीडीटी क्या होता है? बस एनसीडीटी कुछ नहीं, बड़ी आसान चीज है। यानी हमारे भोजन जो खराब होते हैं एनसीडीटी के कारण, क्या एनसीडीटी एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसमें क्या होता है कि ऑयलिंग यानी तेल की मात्रा बढ़ जाता है जिसके कारण उसके भोजन का गंध हो जाता, विकृत गंधिता। इसका मतलब होता एक स्पेशल टाइप का भोजन में जब गंध आ जाए तब कब आएगा? जब मेरा भोजन खराब हो जाएगा तभी आएगा, उसी को हम कहते हैं एनसीडीटी। इफेक्ट फूड में होता है आयल के प्रेजेंट, ऑयल के प्रेजेंट के कारण जब हम वो
प्रेजेंट हो जाता है हमारे फूड में तो वो एक तरह का गंध दे देता है, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी, जिसका हिंदी होता विकृत गंधिता। हम आप रेंसिडिटी देख लो, जैसे कि रेंसिडिटी क्या है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, CIDITY, रेंसिडिटी का हिंदी होता विकृत गंधिता, विकृत, विकृत गंधिता। एक स्पेशल टाइप का स्मेल आना, स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल, स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल, एक विशेष प्रकार का गंध आना, द स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल किसके प्रेजेंस में होगा, आयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ही, आयर जो होता है आयर, आयर ए स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयर इन फूड, भोजन में जो आ जाता है इन फूड इज नॉन एज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी आपको समझ रहे हैं कि स्पेशल टाइप का गंध भोजन में आना, फूड में आ जाना रेंसिडिटी कहलाता, विकृत गंधिता कहलाता। इट कैन बी चेक नंबर ऑफ ए, इसको आप एक तरीके से चेक कर सकते हो, वो भी रेंसिडिटी, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स ऑयल एंड अदर लिपिड्स, वो जितने सारे चीज होते हैं, बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी। इसके आधार पे रेंसिडिटी को भी तीन भागों में बांटा गया है, स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, यानी जब भोजन में एक स्पेशल टाइप का गंध आ जाता है उसे आप क्या कहते हो, रेंसिडिटी कहते हैं। तो लिखिए बेसिक टाइप ऑफ रेंसिडिटी, बेसिक टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता का टाइप कौन कौन से होते हैं। तो आप कह सकते हो हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी, हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। दूसरा जो हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी होते हैं उसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और माइक्रोबियल रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव। देखो हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी के बाद जो रेंसिडिटी होते हैं वो कौन सा रेंसिडिटी होता है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। फिर तीसरा टाइप माइक्रोबियल, माइक्रोबियल सिर्फ माइक्रोबैक्टीरिया के कारण जो रेंसिडिटी होगा माइक्रोबियल रेंसिडिटी को माइक्रोबियल रेंसिडिटी, माइक्रोबियल रेंसिडिटी। यू तो आपके पास हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी समझना होगा, कैसे होगा हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी, जब वाटर स्प्लिट्स फैटी एसिड, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट के फैटी एसिड के फॉर्म में बदल जाएगा तो ग्लाइकोल बैकबोन के शरीर में हो जाएगा, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा तो हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी। हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी अगर आपको पूछा जाएगा, कहने का मतलब सीधी बात आप समझिए, रेंसिडिटी तो गंध होता, रेंसिडिटी एक तरह का गंध है, भोजन जो खाते हो तीन दो तीन चार दिन छोड़ दो एक तरह का गंध आने लगेगा, इसमें आने लगेगा तो आपका रेंसिडिटी। लेकिन हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी जब फैटी एसिड का स्प्लिट सोडा टूट जाए, यानी वाटर को फैटी एसिड में चेंज हो जाता है तो हाइड्रोलैटिक, वाटर स्प्लिट फैटी एसिड चेंज फ्रॉम किस से, फ्रॉम द ग्लिसरॉल बैकबोन इन ग्लिसरिड्स, हाइड्रोलैटिक रेंसिडिटी में वाटर स्प्लिट, जब वाटर का स्प्लिट हो जाता वाटर स्प्लिट इन टू, जब वाटर किसमें टूटेगा, व्हेन वाटर स्प्लिट इन टू फैटी एसिड में टूटेगा,
फैटी एसिड क्या होता है, भसा से भरे हुए एसिड फैटी एसिड होते हैं, और उसमें ग्लिसरॉल बैकबोन में ग्लिसराइड्स हो जाए, ग्लिसरॉल देखिए अल्कोहल का ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लाइकोल ग्लिसरॉल अल्कोहल का चीज है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिलहाल नाम आया है व्हेन वाटर स्प्लिट इनटू फैटी एसिड, जब वाटर किसमें टूट जाते हैं वो फैटी एसिड में टूट जाता है, फैटी एसिड ए चेन अवे फ्रॉम ग्लिसरॉल टू ग्लिसरीन देखो जब वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर टूटा फैटी एसिड के चेन में फ्रॉम द ग्लिसरॉल टू ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी स्रीन सी आर आई एन ई स्रीन होता, ग्लिसरीन में टूट जाएगा तब बनेगा हमारा हाइड्रोलाइटिक रेसिडी, किसी भी से बात वाटर का स्प्लिट होना फैटी एसिड में एक चेन के फॉर्म में आप एग्जांपल ले सकते हो कि ग्लिसरॉल जब ग्लिसरीन में टूट जाए तो ये हमारा है हाइड्रोलाइटिक। फिर ऑक्सीडेटिव एसिडिटी क्या होता है, जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रिएक्ट करता है केमिकली रूप से ऑक्सीजन से, यानी आपका है ऑक्सीडेटिव एसिडिटी, वर एसिडिटी है व्हेन वाटर स्प्लिट, पे वर्सी एसिडिटी जिसमें वाटर किसमें टूटता था फैटी एसिड में। अब हम आए ऑक्सीडेटिव एसिडिटी को थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं, फिर एक है माइक्रो ऑर्गेनिक एसिडिटी, फिर तो आपका चैप्टर खत्म ही हो जाए, यू तो आप एसिडिटी में एक ऑक्सीडेटिव एसिडिटी देखो और माइक्रोबियल एसिडिटी, फिर तो अपना चैप्टर खत्म ही होगा। तो ऑक्सीडेटिव एसिडिटी क्या होता है, जब डबल बॉन्ड का टूटना, जैसे वैसे एसिडिटी जिसमें डबल बॉन्ड फैटी एसिड में टूट जाएगा तब हमें कहेंगे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड का फैटी एसिड बनना ऑक्सीडेटिव एसिडिटी कहलाता है, यानी ऑक्सीडेटिव एसिडिटी क्या है, द एसिडिटी वैसी विकृत गंधिता, द एसिडिटी इन विच अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किसमें टूट जाए, डबल बॉन्ड ऑफ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड, द एसिडिटी इन विच डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिस एसिडिटी में डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का किसमें ब्रेकअप हो जाता है, रिएक्ट केमिकली विद ऑक्सीजन से कर लेता फैटी एसिड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आप समझिए एक विकृत गंधिता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव का कहने का मतलब जब एसिडिटी जिसमें डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज नॉन एज, तो आप इसे कहते हो ऑक्सीडेटिव एसिडिटी। यानी एसिडिटी का टाइप आपके इस वर्ग में पढ़ना ही नहीं था, तो भी आपने हमें एसिडिटी देखा, विकृत गंधिता क्या होता है, भोजन में जो एक प्रकार का गंध आ जाएगा वो एसिडिटी था, फिर हाइड्रोलाइटिक एसिडिटी क्या हुआ था, जब वाटर के स्प्लिट ओवर फैटी एसिड के फॉर्म में चेन फॉर्म में ग्लिसरॉल से ग्लिसरीन बन जाना, फिर ऑक्सीडेटिव एसिडिटी हुआ वैसा एसिडिटी जिसमें डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीजन से केमिकली रूप से रिएक्ट करे तब हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव एसिडिटी, और माइक्रोबियल एसिडिटी वैसी एसिडिटी है जिसमें माइक्रो बैक्टीरिया रिएक्शन करता है, इंजाइम के रूप में आपको यूज किया जाता है, उसी को कहते हैं माइक्रोबियल एसिडिटी, माइक्रोबियल एसिडिटी वैसा एसिडिटी, द एसिडिटी
in which microbacteria या microorganisms microbacteria कहिए या microorganism कहिए organism किसका टूटना जिस रैंक सीरीज़ में माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एंजाइम में चेंज हो जाता है किस में चेंज होता है एंजाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैंक सीरीज़ इन विच माइक्रोबैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच माइक्रोबैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज इन एंजाइम एंजाइम में बदलते हैं उसी को हम कहते हैं माइक्रो आप उसे कहोगे माइक्रोबियल रेंसिडिटी यानी बैक्टीरिया का एंजाइम की उपस्थिति में टूटते ये बायो वाले अच्छे ज्यादा देखते होंगे कि क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेंसिडिटी और आप रेंसिडिटी को पढ़े इसकी सुरक्षा कैसे करोगे दो मेथड है दो नाम है आप देख ले आप लोग कुरकुरे के पन्नी को बड़ा देखते होंगे पूरा बड़ा रहता उसमें नाइट्रस ऑक्साइड उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो कुरकुरे आपका खराब नहीं हो ये नहीं कि वो हवा देके भर लेते हैं उसमें हवा भरे रहते हैं आप दिमाग में याद रखोगे वो हवा नहीं भरते हैं वो नाइट्रोजन बढ़ते हैं ताकि हमारा कुरकुरे जो है सुरक्षित रहे ऐसा नहीं कि वावा बढ़ के बेचते हैं बढ़ाने के लिए अमाउंट और यही आपका प्रिवेंशन होगा और आपका चैप्टर फिनिश्ड होगा प्रिवेंशन ऑफ ए रेंसिडिटी प्रिवेंशन रेंसिडिटी यानी प्रकृति गंदिता को कैसे सुरक्षित करे तो पहला आप बर्तन को टाइट करके रखिए स्टोरिंग फूड इन टाइट कंटेनर स्टोरिंग फूड इन टाइट कंटेनर टाइट बर्तन में रखिए जो आपका कंटेनर है वो क्या होना चाहिए टाइट होना चाहिए टाइट कंटेनर दूसरा बात आप उसमें फ्रिज में भी रखोगे तो बहुत सुरक्षित रहेगा तीसरी बात वही है हम नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं नाइट्रोजन मिला देते हैं द यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन इन फूड स्टोरिंग फूड इन लाइट कंटेनर में हम बताएंगे कि टाइट कंटेनर में रखोगे तब भी एनसीडीटी का प्रिवेंशन होगा द यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन इन फूड स्टोरिंग पैकिंग यानी आप किसी बर्तन में पैकिंग करते हो चिप्स को या कुछ चीज के जो खाने वाला चिप्स है या कुरकुरे को आप देखते हो कुरकुरे और चिप्स को जब पैकिंग कर लेते हैं तो नाइट्रोजन फूड स्टोरिंग क्या पैकिंग किया जाता फिर बात रहा टाइट कंटेनर के बाद आप एयर कर रेफ्रिजरेटर इन फूड ऑल्सो यानी रेफ्रिजरेटर में रख के भी आप फूड को अच्छे बना सकते रेफ्रिजरेटर इन फूड टू प्रिवेंशन यानी आप फूड का प्रिवेंशन कैसे करोगे रेफ्रिजरेटर में रख के भी क्या जा सकता है यानी आपका भोजन कभी नहीं खराब होगा और एंटीऑक्सीडेंट्स आप बोलते ऑक्सीजन के एक ऑक्साइड का नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स आप इसके भी यूज करके एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके भी आप प्रिवेंशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज टू प्रिवेंशन ऑफ फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एंटीऑक्सीडेंट used to prevention of food यानी भोजन को आप फूड को एंटीऑक्सीडेंट के भी यूज से बता जनरली इसमें यूज क्या करता है जनरली जो यूज किया जाता है वो कौन कौन विटामिन जनरली यूज इन एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन ई का यूज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बी एंड ई और ये ही यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी का स्टोरिंग फूड टाइट में आप देखिए इस तरह से हम ऑक्सीडेटिव और माइक्रो माइक्रोबियल
और हाइड्रोलिक एसिडिटी का, ये तमाम टाइप के एसिडिटी आप एंटीऑक्सीडेंट में देखें कि प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी क्या होता है, यानी फूड की आप सुरक्षा कैसे करोगे। आप फिर से समझ लो, स्टोरिंग फूड इन टाइट कंटेनर, एक बंद टाइट बर्तन में जहां एयर प्रचुर मात्रा में हो, अधिक नहीं हो, उस तरह से फूड को बचाया जा सकता है। द यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन इन फूड स्टोरिंग पैकिंग, जब आप भोजन को पैक करते हो, चिप्स हुआ, आलू का और भी बहुत सारे चीज जो करते हैं हम लोग खाना में यूज करते हैं ना, जैसे कुरकुरे हो गया, वो सब चीज पाकर पैकिंग हो गया, उसमें नाइट्रोजन फूड का यूज किया, नाइट्रोजन का यूज किया जाता, फिर रेफ्रिजरेटर से भी फूड को प्रिवेंट करते हैं, टेम्परेचर लो हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, हवा कम रहेगी यानी टेम्परेचर उसका लो रहता, तब भी फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, ऑक्सीजन को एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन बी और विटामिन ई दे करके भी जनरली रूप से एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके भी प्रिवेंशन ऑफ फूड किया जाता है। इस तरह से आज क्लास 10th का पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो गया। फिर हम आपको कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो हम अगले वीडियो में आपको ये भी समझाएंगे कि वो प्रश्न का आंसर आप कैसे लिखोगे। आज भर के लिए इतना ही।